नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार शर्मा है और मैं अमृत धारामाई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं वो है सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके मुख्य कारण इस प्रकार है, बढ़ता हुआ प्रदूषण और बढ़ती हुई स्मोकिंग की आदतें, ये इसके प्रमुख कारण है। कई बार चूल्हे पे काम करने वाली औरतों को भी समस्याएं हो जाती हैं। हम इसकी बात करें लक्षणों की, प्रमुख तौर पर इस प्रकार है, लंबे समय से खांसी आना, खांसी में बलगम आना, सांस की समस्या चलते वक्त और कई बार बैठे बैठे भी वजन का गिरना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। अब हम बात करें निदान की। आमतौर पर इसका डायग्नोसिस हम एक्सरे और स्पायरोमेट्री के द्वारा कर लेते हैं। कई बार हमें छाती का सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। अब हम इसकी उपचार की बात करते हैं और हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। उपचार में मुख्य तौर पर हम मरीजों को इनहेलर प्रोवाइड करते हैं, जो कि आमतौर पर सुबह शाम या कई बार एक टाइम भी लिया जाता है। इसके अलावा हम बलगम निकलने के लिए एक्सरसाइज बताई जाती है और रेगुलर वैक्सीनेशन की सलाह भी दी जाती है। स्मोकिंग की आदतों को छोड़ना पड़ता है और प्रदूषण से जितना बच सके उतना बचना चाहिए, हेल्दी डाइट को अपनाना चाहिए। ये इसके मुख्य तौर पर उपचार है। धन्यवाद।